चलिए बातचीत नहीं। हथियार का निरीक्षण करें, हर एक का ध्यान दें, किसी भी हथियार को इस्तेमाल करने से पहले उस हथियार की हदीसों से बचने के लिए हथियार को निरीक्षण करना काफी जरूरी होता है। इसलिए न्यू गार्ड कमांडर जो है अपना कार्य ग्रहण करने से पहले हथियार का मुआयना कर रहे हैं। ये आवाज है, थैंक यू। निरीक्षण करते समय बारल का निरीक्षण करने के साथ साथ चमड़ा और नजदीक का भी निरीक्षण किया जाता है। जिन चीजों का मुख्तलिफ रंगों वाले बैकग्राउंड के सामने खाका बन जाता है वो हमेशा साफ दिखाई देती है। मिसाल के तौर पर हथियार का जायजा लेने के बाद में फिर हथियार का पहले वाली पोजीशन में आकर के सावधान की पोजीशन में रहेंगे और गार्ड कमांडर ड्यूटी एनसीओ का इंतजार कर करके रहेंगे। अब वहां जाने के बाद में खुद विक्रम मनी पार्टी चालक में आएंगे और विक्रम के हालात पे गार्ड को रखेंगे। अब न्यू यानी कि नया गार्ड कमांडर ड्यूटी एनसीओ का इंतजार में, जो भी ड्यूटी एनसीओ न्यू गार्ड की ओर एडवांस होता है तो उस समय गार्ड कमांडर अपने गार्ड को सावधान की पोजिशन में रखेंगे। साथ ही बगल सत्र में आकर के ड्यूटेंसियो को वहीं से खड़े होकर के रिपोर्ट देंगे। ड्यूटेंसियो अपना कार्य शुरू कर। नया गार्ड कमांडर चालू। जीबी केसी सर जो खड़े हैं वो है ड्यूटी एनसीओ, वो भी जाकर के नया गार्ड का पूरी जायजा लेंगे और उनका जायजा दुरुस्त हो जाने के बाद ड्यूटी ऑफिसर का इंतजार करके रहेंगे। अभी देखिए ड्यूटी एनसीओ किस तरह से उनको बुलाते हैं, बोलते हैं गार्ड लाइन वन सादे फट गार्ड, फिर उनका दो कदम की दूरी में आकर के खड़े हो जाएंगे। गार्ड का उच्च अभियान सत्र की हालत के दो कदम ताल में आएंगे। शुक्र गार्ड ड्यूटी एनसीओ के पास दो कदम की दूरी में आने के बाद ड्यूटी एनसीओ फिर वहां से पीछे मुड़कर लगभग 10-12 कदम की दूरी में आकर के खड़े होंगे और जाकर के अभी उनको सबसे पहले विश्रम और साफन करने के बाद में उनको डायनासर की हालत में ले आएंगे और उनका टर्नआउट चेक करेंगे। खुलकर फिर बाजू साज में ले आएंगे और उनको डायनासर की साफ में करेंगे, पहले बाजू साज उसके बाद में डायनासर और टर्नआउट का चेकअप। डायनासर के कार्य में होगा सबसे पहले गार्ड में मुतायन
एनसीओ से लेकर जवान तक का सारे उनका टर्नआउट चेक करेंगे। ध्यान रखें क्रिमिनल गार्ड जब तैनात होंगे तो उस समय आपका टर्नआउट काफी उच्च कोटि का होना है, क्योंकि यहाँ गार्ड इसीलिए तैनात की जाती है कि जिला के प्रभारी अफिसर या यूनिट कमांडेंट साहब के आदेश अनुसार किसी भी विशिष्ट तथा अति विशिष्ट व्यक्तियों के अभिनंदन तथा उनकी सुरक्षा के लिए दिवाली से लेकर रिपोर्ट के मध्य